नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनगरी में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर एक बार फिर प्रकोप। अयोध्या में रामनवमी मेले में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक। रामनगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर एक बार फिर कोविड-19 का प्रकोप रहा और रामनगरी अयोध्या में रामनवमी मेले में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के संतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रामनवमी मेले में होने की भीड़ को लेकर चर्चा की थी, जिसके बाद संतों ने देश के राम भक्तों और श्रद्धालुओं से अपील की कि लोग अपने घरों में रहकर ही श्री राम जन्मोत्सव मनाएं। अयोध्या में हजारों वर्षों से होने वाली रामनवमी मेले पर परंपरा आज एक बार फिर कोरोना के प्रकोप के कारण प्रभावित होगी, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। ऐसे में आने वाली रामनवमी मेले में कई लाख की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना बनी थी। अयोध्या जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि आज मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या के प्रमुख धर्माचार्यों के साथ VC के माध्यम से संबोधित किया, जो नेगेटिव पाए जाएंगे उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया बॉर्डर सील किए जाने को लेकर विचार किया जाएगा। अयोध्या संवाददाता बिस्मिल्ला खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि भाई सब निर्देशों का पालन करें, भीड़ भाड़ ज्यादा न होने दें। हम लोगों का भी यही निर्देश आदेश है, प्रार्थना है। ये 9 संवत्सर आया हुआ है, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके इस महामारी से लड़ने के लिए सब उपासना करें, भगवान से प्रार्थना करें। अयोध्या में भी भीड़ भाड़ की कोई आवश्यकता नहीं है, सब दूरी बनाए रहें। मठ मंदिरों में भी हम लोग इसी तरह से कार्य कर रहे हैं जिससे कोई व्यवधान न हो सके और इस महामारी का इस संकट में हम सामना कर सकें, परास्त कर सके, यही आदेश निर्देश है। तो महाराज जी, क्या रामनवमी जो है सिर्फ मंदिरों में मनाई जाएगी, भक्त ना आए? भाई देखिए किस तरह से महामारी चल रही है, किस तरह से परिस्थिति है। अगर भक्त लोग आएंगे, भीड़ भाड़ अधिक होगी तो बढ़ने की बहुत बड़ी आशंका होगी, तमाम संक्रमित लोग भी आ सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा होगा, ये नवरात्र का सबसे सुंदर पर्व है, आया हुआ है, सब अपने अपने घरों में बैठ करके बड़े प्रसन्नतापूर्वक रामनवमी मनावें, उत्सव मनावें, भगवान की उपासना करें, जिससे हम इस महामारी से सामना कर सकें, इसको परास्त कर सकें। हम सभी प्रदेश और देशवासियों से यही अनुरोध किया है आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और महामहिम राज्यपाल जी ने कि लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, घरों में रह करके ही उपासना पूजा करें और मानव रक्षा के लिए प्रदेश सरकार और देश की जो सरकारें हैं और स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा जो गाइडलाइन जारी होता है उसका अच्छा सा पालन करें, स्वस्थ रहें, घर में रहें और जान है तो जहान है, ये सभी भक्तों से आग्रह है कि सब लोग घर में रह करके ही पूजा पाठ करें और वहीं उत्सव मनाएं, वहीं से प्रार्थना करें जिससे इस वैश्विक संकट से निजात मिल सके जल्द से जल्द और हमारा देश दुनिया पूरा स्वस्थ रहे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम सभी लोग एकजुट होकर के इस पर कार्य करें, स्वच्छता से रहें और जो स्वास्थ्य विभाग का दिशा निर्देश है उसका पालन करें। तो रामनवमी अपने घरों में ही मनाएं? निश्चित रूप से रामनवमी में अपार भीड़ होती है और उसमें हर आदमी की जांच तो संभव नहीं है जितनी भीड़ होती है, इसलिए घर में ही रह करके उत्सव मनाएं रामनवमी पर। कोई अयोध्या ना आए, देवी मंदिरों में जहाँ भीड़ होती है वहाँ भी ना जाएं, घर में ही रह करके उपासना पूजा करें, शक्ति अर्जित करें और स्वस्थ रहेंगे तो उत्सव पर्व पूजा तो पूरा जीवन हम लोगों को करना है और घर में रह करके ही ठीक है। अभी इस बार जो संक्रमण बढ़ रहा है उसकी रफ्तार बहुत तेज है, पिछली जो थी उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना अधिक है। लगातार कुछ ऐसी सूचनाएँ आ रही हैं, इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं, घर में ही रहें ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय श्री राम। अयोध्या के जितने भी प्रमुख हमारे मंदिर हैं उनका हम लोगों ने भ्रमण किया और प्रमुख जो धर्माचार्य हैं उनसे वार्ता भी की, तो प्रत्येक जगह विशेष करके जो कोविड के सेकेंड लहर के क्रम में जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमको लिया जाना है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया और उसके लिए समस्त निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पिछले दिनों आदेश हुआ था 11 जुलाई का जो ऑर्डर था उसमें ये था कि किसी भी धार्मिक स्थल में एक बार में 5 से अधिक लोग प्रवेश ना करें, इसका भी अनुपालन कराया जा रहा है। आने वाले समय में चूँकि रामनवमी का प्रमुख त्यौहार यहाँ पर है और नवरात्र भी अभी चल रहा है,
तो उसको दृष्टिकोण से रखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख जो यहाँ के धर्माचार्य हैं उनको VC के माध्यम से संबोधित भी किया है, और सभी प्रमुख धर्माचार्यों ने यही अपील किया, यही आह्वान किया है कि जो कोविड की ये बहुत ही खतरनाक सेकेंड वेव है उसको देखते हुए कम से कम लोग जो है ये मंदिरों मस्जिदों में जाएं, और अधिकतर लोग अपनी जो आराधना है साधना है वो अपने घरों से करें, भीड़ भाड़ से बचें। तो उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए अग्रिम भी जो है निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें बाहर से जो लोग अयोध्या आते हैं उनके आगमन पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रहेगा, रूट पर रिस्ट्रिक्शन रहेगा, साथ ही जितने भी आगंतुक होंगे उनका जो है वो कोविड का भी उनका टेस्ट रिपोर्ट चेक किया जाएगा, और जिनकी क्लियर होगी उन्हीं को अयोध्या में प्रवेश दिया जाएगा। और अयोध्या में भी विशेष करके जो बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको विशेष ध्यान से देखा जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है रिलेटिवली देखें तो अयोध्या थोड़ी सी बेटर पोजिशन में, आसपास के कई जिलों में बहुत अधिक संक्रमण फैल रहा है, तो उसको देखते हुए हम लोगों को प्रोटेक्ट करना, बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में सब चीज़ें करनी है।